हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं WWE 2K16 के शोकेस मोड का अगला मैच। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके पहले के मैच नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आगे पहले के मैच देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के गेम प्ले की तरफ। ठीक है, देखते हैं हमारा आज का मैच किसके साथ है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा मैच है वो शॉन माइकल के साथ है WWE चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टोरी दिखा रहा है दोस्तों, आप थोड़ी सी स्टोरी देखिए। एक काम करते हैं, सीधे मैच की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, After retaining the Intercontinental Championship. तो दोस्तों हमारा मैच लोड हो रहा है। और दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो प्लीज कर देना यार। दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांटिक मैं लाता रहूंगा। ठीक है, जिसमें आपको रोमांच आता रहे, आपको मजा आए। Introducing the challenger from Victoria, Texas, weighing 252 pounds, Stone Cold Steve. तो दोस्तों, हमारे स्टोन कोल्ड आ चुके हैं। Can you feel it, ladies and gentlemen? Wherever you are, can you feel all in? चलो दोस्तों, स्किप करते हैं इनकी इस एंट्रेंस को और सीधे मैच पे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव खेलने को मिलते हैं। दोस्तों, स्टोरी लाइन से शुरू हुआ है, देखते हैं क्या क्या स्टोरी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आप रिंग साइड पे माइक टाइसन को भी देख सकते हो, लेकिन वो सस्ता वाला माइक टाइसन है। ठीक है, जो हमारे माइक टाइसन है वो नहीं है, सस्ते वाले माइक टाइसन है। एक तो लग भी नहीं रहा किसी भी एंगल में माइक टाइसन। दोस्तों, अगर आप लोग रेसलिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो आप लोगों को शायद ये मैच जरूर याद होगा, जब माइक टायसन ने स्टोन गोल्ड को चैंपियन बनाया था, डीएक्स को अपनी पीठ दिखाकर, यानी कि डीएक्स के साथ धोखा किया था उन्होंने। और ये वही मैच है दोस्तों, अभी तो शॉन माइकल की धुलाई चल रही। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या मैच हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इसके पहले के मैच नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन मैचों को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को स्टोरी शुरू से समझ में आ सके कि स्टोन कोल्ड का करियर शुरू कहां से हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों, क्या हमें खेलने को मिलता है या नहीं। अभी तो थोड़ी स्टोरी चलेगी। अब शायद मुझे पता था ट्रिपल एच मारेगा पीछे से। अरे भाई, ये तो पटक दिया भाई स्टील स्टेप्स में। हाँ, फेंक रेफरी को इससे बाहर, चला जाको रिंग से, चला जाको यहाँ से। आई थिंक रेफरी कहेगा हाँ दोस्तों कि चला जाओ वहां से करके। अब ट्रिपल एच को जाना पड़ेगा वापस बैक स्टेज। हाँ बिल्कुल बढ़िया किया, अब मजा आएगा ना वन ऑन वन मैच में, एक तरफ स्टोन कोल्ड और एक तरफ शॉन माइकल। अब खेलने को मिलेगा शायद दोस्तों। बस दोस्तों, अब खेलने को मिलने वाला है दोस्तों। अच्छा, डैमेज करना है, पहला जो हमें टास्क मिला है वो डैमेज करना है एचबीके को। वो तो खुशी खुशी करेंगे भाई। आजा भाई, तूने बहुत मारा ट्रिपल एच के साथ मिलके, अब जरा तुझे धोए हैं। अरे नहीं, एक तो दोस्तों 2K16 के रिवर्सल बहुत ही कमजोर है। फटाफट अंदर चलते हैं दोस्तों, शॉन माइकल का कोई भरोसा नहीं। हाँ भाई, तू नखरे ही करता रहो। ना ना, इतनी जल्दी तो पिन नहीं करूंगा तेरे ऊपर, पहले मारता हूँ तुझे। एक एक टास्क पूरा करेंगे ताकि दोस्तों आपको पूरी स्टोरी देखने को मिले कि उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक तो शॉन माइकल पे मैं ही भारी चल रहा हूँ, देखता हूँ वो कहाँ से मुझे मारना शुरू करते हैं। पहले डैमेज करते हैं फिर चलो। अच्छा, स्टन गन देना है आप शॉन माइकल को। इतना आसान भी नहीं यार इस आदमी को स्टन गन देना।
मैंने कहा ना दोस्तों आपसे कि 2K16 के रिवर्सल बहुत ही कमजोर रिवर्सल है। और दोस्तों 2K16 का शोकेस अब तक का सबसे बेस्ट शोकेस है, मतलब ऐसा मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैंने 2K15 का शोकेस भी खेला, 2K19 का भी खेला, 2K20 का भी खेला, लेकिन सबसे अच्छा मुझे 2K16 का ही शोकेस लगा। अगर आप लोग भी रेसलिंग गेम के बहुत ज़्यादा प्रशंसक हो तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा शोकेस सबसे अच्छा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, अरे रे रे रे, चल भाई जल्दी उठ, अरे बहुत मार, नहीं नहीं अरे रे रे रे, बाहर फेंक दिया, रिवर्स, चल भाई अंदर जा। स्टन गन देते हैं ठीक है दोस्तों, ताकि मैच ज्यादा लंबा ना चल पाए। अरे यार चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मार लेते हैं HBK को, थोड़ी देर इंतजार कीजिए दोस्तों, आपको देखने को मिलेगी स्टोरी। अरे यार रिवर्स कर दिया फिर से, दोस्तों थोड़ा सा माइक टायसन को मारे क्या, पता है हमारे साथ, लेकिन थोड़ा मारने का मजा ही कुछ और है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अभी तो DX की तरफ से ना दोस्तों, जब हमारी तरफ हो जाएंगे तो नहीं मारेंगे, लेकिन असल में पंगा नहीं लेना माइक टायसन से दोस्तों। अभी जल्दी आ ऊपर, अरे यार ड्रॉप किक मार दी, अरे यार लॉक लगा दिया इसने, अबे हार नहीं मानना, ना 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 हार तो नहीं मानेगा, हेल्थ तो बहुत है दोस्तों, है रिवर्सल है भी मेरे पास बचे हुआ, रिवर्सल तो है। अरे 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 यार पाइल ड्राइवर दे दिया, फिर से मारा दोस्तों माइक टायसन को, एक और, चल भाई स्टन गन देना है जल्दी से इसको, अब मैं उसमें पकड़ता हूँ, ऐसे तो नहीं मानेगा ये, अबे यार कहाँ देख रहा हूँ, अब खा पिछवाड़े में मार, गिर नीचे, मैं तो यही चाह रहा था तो नीचे गिरे करके, चल भाई उठ जा, चल अंदर चल रिंग के, तभी तो तुझे, अब तू खाएगा मेरे हाथों से वाली मार, चल भाई खा, चल उठ जा। चलो दोस्तों स्टन गन देने का समय आ चुका है, चल भाई स्टन गन खा लिया, ये दोस्तों स्टन गन पूरा हो गया, अब डैमेज करना है ना, बस खुशी खुशी करेंगे, पहले एक फिनिशर दे देते हैं। अरे ये तो उठ गया यार, चल भाई फटाफट डैमेज करते हैं और आगे की स्टोरी देखते हैं, थोड़ा सा और मारना है, एक तो शॉन माइकल, वैसे दोस्तों शॉन माइकल भी बहुत ही बेहतरीन रेसलरों में एक है, आप लोगों को कैसे लगते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे तो शॉन माइकल भी बहुत जबरदस्त रेसलर लगते हैं। अच्छा अच्छा अब आयरिप स्लिप देनी है ना, चल भाई आजा, अरे मुझे नहीं मैंने तुझे देनी थी यार, रिवर्सल बहुत करते हैं दोस्तों ये आखिरी में, चल उठ जा फटाफट उठ, HBK उठ जा, HBK जो कह रहा हूँ, स्टोन कोल्ड उठो बेटे, शॉन माइकल बेटे मार खाने का समय आ चुका है, चलो बेटे आ जाओ, चाहूँ तो स्टनर दे सकता हूँ बेटे लेकिन ऐसा हूँ नहीं मैं, चल आ जाए बाहर जा दोस्तों, टॉन्ट अगला, ये टास्क भी पूरा हो चुका है दोस्तों,
अच्छा अब एचबीके को अंदर रिंग में देना है ना, ठीक है आ जाओ। अरे यार रिवर्सल कर दिया फिर से, चलो ठीक है। खा मुक्का सर पे, एक और खा। चलो दोस्तों स्टोरी दिखाने लगा दोस्तों, आप देखते हैं कि स्टोरी इस स्टोरी में क्या था। अच्छा स्लीपर होल में ले लिया, इतने जल्दी तो हार नहीं मानेंगे स्टोन कोल्ड भी। मैं तो सोच ही रहा था दोस्तों कि रेफरी आज मार कैसे नहीं खा रहा है इनके मैच, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेफरियों के एक प्रकार से दुश्मन मान सकते हो आप इन्हें, इतने भयानक दुश्मन ठहरे। आप इनके पुराने मैच देखना यूट्यूब पे, मोस्ट ऑफ द मैच में इन्होंने रेफरी को खुद सूता है। चलो दोस्तों फिर से खेलने को मिल गया है। अच्छा डैमेज करना है, ठीक है डैमेज करते हैं एचबीके को। एक काम करते हैं नीचे डैमेज करते हैं, क्यों? अरे यार डैमेज मुझे करना है, ये मुझे डैमेज करने में लगा हुआ है। खाला मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक स्टनर दे दूँ, ठीक है दो स्टनर है, वैसे भी स्टनर देता हूँ एक सौ। बस दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया, अब क्यूटी ही कंप्लीट करनी है ना। चल भाई उठ जा, तेरे को आयरन स्वीप देता हूँ। लेकिन अभी आएगा कैसे, अगला टास्क देखता हूँ कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। और गाइस आ गई दोस्तों हमारा अगला टास्क आ चुका है, देखते हैं कौन सा बटन मुझे दबाना है, बड़े ध्यान से देखना होगा दोस्तों। अगर एक भी चूक हुई तो शॉन माइकल की स्विच चिन मुझे सीधे मेरे मुंह पे लगेगी और मैच हार जाऊंगा। चलो दोस्तों टास्क तो अच्छी तरह पूरा कर दिया, वैसे ये लगा स्टनर। ये देखिए दोस्तों माइक टायसन अंदर आ चुके हैं और थ्री काउंट हो चुका है, स्टोन कोल्ड जीत गए। इसी मैच की दोस्तों मैं बात कर रहा था, अब हो गए माइक टायसन हमारी तरह, तो अब हम इन्हें मारेंगे नहीं। अब ये टाइटल भी हमारा हो चुका है। तो दोस्तों रेसलमेनिया में पहली बार चैंपियन बने थे शॉन माइकल नहीं दोस्तों स्टोन कोल्ड। माफी चाहूंगा थोड़े से शब्द इधर उधर हो रहे हैं, देख सकते अपने बेल्ट को दिखाते हुए स्टोन कोल्ड। तो दोस्तों हमारा आज का मैच यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आज का गेम प्ले अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं आपको दूंगा, देखने को दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलता हूँ बहुत जल्द, ठीक है।